نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمين يا رب العالمين. ये है हाल हमारा। वही सूरह हज में अल्लाह ताला ने फरमाया ना, लोगों में से बाज ऐसे हैं जो अल्लाह की इबादत भी किनारे पे रह के करते हैं, किनारे किनारे पे, एज पे बिल्कुल। फिर अगर उनको कोई भलाई पहुंचती है तो मुतमईन हो जाते हैं, और अगर उनको कोई आजमाइश आती है तो उसी वक्त मुंह फेर लेते हैं। तो अल्लाह ताला ने फरमाया हम लोगों के लिए दोनों जहान का नुकसान है, दोनों जहान का, किनारे किनारे पे। ज्यादा अंदर ना जाए, वो इसी वक्त कहीं भागना पड़े तो किनारे पे रहो। किनारे पे रहने वाला बंदा कैसा होता है, जरा सी बात हो तो भाग सकता है ना वो। तो कुछ लोग इस्लाम में भी इसी तरह रहते हैं, किनारे पे चलते रहते हैं, ताकि अगर इस्लाम की वजह से कोई मुसीबत आने लगे, कोई प्रॉब्लम पैदा होने लगे, तो हम बिल्कुल दूसरी तरफ छलांग मार देंगे। हमने देखना ही नहीं है इस तरफ, जैसे हमारा इस्लाम से कोई ताल्लुक ही नहीं है। हम क्या जाने इस्लाम क्या चीज होती है, हमें तो पता ही नहीं। ताकि हम मुसीबत से बच जाए, वो ज्यादा अंदर भी नहीं आते इस्लाम के, अगर सेंटर में आ गए तो भागना मुश्किल होगा ना। तो एज एज पे रहो। वला इंजा नसरुम मिन रब्बिक, और अलबत्ता अगर आ गई मदद तेरे रब की तरफ से, अगर इस्लाम को कलबा मिल जाता है, अगर अल्लाह की मदद आ जाती है, ला यकुलुन्ना इन्ना कुन्ना माकुम, तो वो जरूर कहेंगे बेशक हम तो तुम्हारे साथ ही थे ना। कैसी अजीब बात है ना, मफाद के बंदे हैं। अगर मिसाल के तौर पे आज भी आप सोचे, आज भी अल्लाह हमें वो दिन दिखाए हमारी जिंदगियों में कि इस्लाम को अरूज मिल जाए, दुनिया में उसकी इज्जत हो जाए, मुसलमानों को बहुत इज्जत मिलने लगे, उनका मकाम हो जाए, वो जहां जाए लोग उनको इस्लाम से पहचाने, मुसलमान कितने अच्छे हैं, लोग उनकी जुबान पे तकबार करने लगे, लोग उनको कीमती लोग जाने, बड़े लोग जाने, जिधर जाए उनका ये बस पासपोर्ट दिखाना ही काफी हो कि हम मुसलमान हैं, लोग बिछते चले जाएं। आज जैसे बाकी और कोई कौमों की इज्जतें हैं दुनिया में, इससे बढ़ के अगर दुनिया में अल्लाह वो दिन दिखाए कि मुसलमानों की इज्जत हो जाए, तो मुझे बताएं कि जो आज भागते हैं इस दीन से, वो ही आगे बढ़ बढ़ के कहने लगेंगे हम भी मुसलमान हैं, हम भी इसी दीन वाले हैं, हम भी ये कलमा पढ़ने वाले हैं। जो आज भागते हैं ना, और अपना नाम भी ऐसा लगता है जैसे कि इस्लाम, अस्तग़फिरुल्लाह, आज तो वाकई अल्लाह ताला माफ करे, एक ना धब्बे की तरह है जैसे हमारे कपड़ों पर लग गया, ये धब्बा नजर ना आए, इसको धो डालो या इसको छुपा दो, या तो धो डालो बिल्कुल ही इससे जान छुड़ाओ, या छुपा दो कि किसी को पता ही ना चले कि ये धब्बा है। अल्लाह ताला माफ करे कि आज इस्लाम को मुसलमान ऐसे देखते हैं, रहमे हमारी जिल्लत हो जाएगी ना इसकी वजह से। तो एक दिन अगर ऐसा आए कि इसकी वजह से इज्जतें मिलने लगे, अल्लाह की तरफ से ऐसी मदद आ जाए, फतह मिल जाए, मुसलमानों का डंका बजने लगे, जैसे एक जमाना होता था सहाबा कराम का था जब जमाना, और अल्लाह ताला ने कैसी कैसी फतुहात दी, कहां कहां तक इस्लाम का दौर था, यानी लोग फखर किया करते थे इस बात पे भी कि हमने ये गवर्नेंस रखी है जो मुसलमान है, ये हमारे बच्चों की तरबियत करेगी। जैसे आज लोग बाहर की रखते हैं, कोई और रखते हैं कि ये जो है ना, ये भाई कोई गोरी औरत आए जो हमारे बच्चों की तरबियत करे। एक वो वक्त था कि लोग मुसलमानों की यानी इन आयात को, कुरान की आयात को घरों में लगाते थे कि बहुत शानदार चीज, गैर मुस्लिम शानदार चीज समझी जाती थी, मुसलमान की तहजीब को शानदार समझा जाता था, उनको बड़े लोग समझा जाता था। हमें हमेशा से ऐसे जलील थोड़ी थे जैसे आज है, तो हमारे अपने करतूतों का नतीजा है। अगर हिस्ट्री उठा के देखें, आपके बच्चों की अपनी किताब, बच्चों की हिस्ट्री की किताबों में, मिडिल स्कूल वगैरह की आप देखें अगर, तो उनमें भी ये मुसलमानों का जो गोल्डन पीरियड था उसकी वो हिस्ट्री की किताबों में लिखा हुआ, कोई इनकार नहीं कर सकता इससे कि दुनिया में ऐसा भी दौर रहा है। तो अगर दोबारा ऐसा आ जाता है तो यही भाग भाग के कहेंगे देखना हम भी मुसलमान है जी,
पहले तो भाग रहे थे इसी से, वही अब वापस आके इस पे कहेंगे कि हम भी साथ हैं तुम्हारे। इसका मतलब क्या हुआ? फिर ईमान में तो सच्चे ना हो, फिर तुम अपने फायदे के बंदे हो। जिस वक्त मुसलमान होना इस दुनिया में एक रुसवाई का सबब बन रहा था, जब इस्लाम के ऊपर मसले आए गए थे, तब तो तुम इसे भाग भाग के जाते थे। वही बात होगी जैसे कि एक मिसाल से समझे, किसी इंसान के पास पैसा आ जाए तो जो रिश्तेदार नहीं भी होते वो भी रिश्तेदार बन जाते हैं। हम भी जी आपके रिश्तेदार हैं, आपको नहीं पता, ओ फलां आपके अब्बा के फलां के फलां के फलां, वहां से वो मैं उनका बेटा हूँ, वो भी रिश्तेदार बन जाते हैं। पता नहीं कहाँ कहाँ से रिश्तेदार निकल आते हैं, कहाँ कहाँ से किस किस के दोस्त निकल आते हैं। और अगर इंसान पे बुरा दिन आ जाए तो अपने भी छोड़ जाते हैं, अपने सके भी भाग जाते हैं। तो वो हाल आज इस्लाम का हुआ हुआ, और इस दिन इसको उरूज मिला, फिर देखना सर लोग भाग भाग के आएंगे। अल्लाह ताला फिर इसपे सुभान अल्लाह ताला इसपे कमेंट करते हैं कि क्या भला अल्लाह नहीं जानता, खूब जानता है जो फिर दिलों में सीनों के अंदर है जहान वालों के। आज तुम भागे क्यों आ रहे हो, अल्लाह को पता है कितना का तुम्हारे अंदर ईमान है, वो सब जानता है। कहीं हम भी तो मफाद के बंदे नहीं है, कहीं हम भी तो इस्लाम को छोड़ छोड़ के भागते नहीं है इस वजह से कि आज इस्लाम के ऊपर मुश्किल दिन है। यही कहीं हमारा इम्तिहान ना बन जाए कि अल्लाह ताला इसके अच्छे दिन दिखाए तो फिर हम भाग भाग के दिखाएं कि ये देखो अच्छा, इससे पता चलेगा हिजाब लेने वाले मुसलमान होते तो मैं हिजाब लेके दिखाऊंगी ताकि लोगों को पता चले ना मैं मुसलमान। अच्छा इससे पता चलेगा कि मोहम्मद नाम हो तो मैं मोहम्मद नाम रखूंगी इसलिए क्योंकि लोगों को पता चले कि भाई ये मुसलमान है। क्या नमाज पढ़ने से पता चलेगा कि लोगों को कि ये मुसलमान है तो मैं हर जगह जा नमाज बिछा के नमाज पढ़ने खड़ी हो जाऊं। जी हम मुसलमान है जनाब, और आज भागते हैं दूर से। वाला यालम अल्लाहुल्लदीना आमनो, अलबत्ता जरूर जान लेगा अल्लाह उन लोगों को जो ईमान लाए। तो क्या अल्लाह को अभी नहीं पता? नाउज़ बिल्ला, ऐसा नहीं है। आज भी अल्लाह जानता है, वो तो सीनों के अंदर की बातों को जानता है, वो तो ये भी जानता है अगले लम्हे में मुझे नहीं पता मैंने क्या बोलना है, वो जानता है कि मैं क्या बोलूं। पिछले लम्हे में मैंने आज सुबह क्या बातें की खुद ही भूल जाता, कल क्या कहा था बिल्कुल भूल गया। अल्लाह को वो भी पता है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब जानता है, वो जानता है किसके सीने में क्या है। लेकिन उसने जाहिर करना है, उसने दूसरों को दिखा देना है, इसलिए फरमाया कि जरूर जानेगा अल्लाह। और देखिए इसमें ताकीद कितनी है, ला की ताकीद है और नून मुशद्दद की ताकीद, जरूर जान लेगा अल्लाह उन लोगों को जो ईमान लेकर है। और कैसे जानेगा? इम्तिहान में डाल के जाहिर कर देगा। इस कियामत के दिन तुम आके ये नहीं कह सकोगे अल्लाह वहां पे भी जाके हम करें इन्ना कुन्ना माकुम, हम भी तुम्हारे साथ थे, ये जो सालिहीन है अल्लाह हम भी इनके साथ थे, ये नहीं कह सकोगे। इसलिए कि इम्तिहान तो दुनिया में हो चुका, ये देखो अपना रिजल्ट। वला यालमनल मुनाफिकीन, और यहाँ पे काज़िबीन की जगह मुनाफिकीन आया, क्योंकि मुनाफिक वो होता है ना जो ऊपर ऊपर से तो बड़ा बनता है, बड़ा ही बातें करता है, लेकिन दिल के अंदर उसके कुछ और ही होता है। ऊपर ऊपर से तो अल्लाह के ताल्लुक की बड़ी बातें हैं, बड़ी बुलंदो बांग दावे हैं, और अंदर से हाल ये है कि इस्लाम के ऊपर कोई दिन आए, कोई ऐसी खबर आ जाए तो भागने में एक मिनट भी नहीं लगाते। अस्तग़फिरुल्लाह। तो ये मुनाफिकत अल्लाह ताला खोल देता है, दुनिया में भी खोल देता है, भले इंसान इनकार करता रहे, और जो सच्ची है उनकी सच्चाई भी खुल जाती है। और अल्लाह ने ये जरूर साबित करके रहना, दिखा के रहना। وقال الذين كفروا, अब ये एक और तरीका था उन लोगों का मुसलमानों को एक्सप्लॉइट करने का और उनको दीन से हटाने का। وقال الذين كفروا, कहा उन लोगों ने जिन्होंने कुफर किया, للذين آمنوا, ईमान वालों से, ये जो अब नए नए ईमान लेकर आए हैं उनसे ये काफिर कहने लगे, जो उनकी फैमिली थी जो उनके फ्रेंड्स थे, इत्तबिउ सबीलना, तुम ऐसा करो हमारे रास्ते पर आ जाओ, वलनहमिल खताياكم, हम जरूर उठा लेंगे तुम्हारी खताओं को।
उनको कहते थे भाई क्या मसला क्या है, ठीक है तुमने एक दीन को एक्सेप्ट कर लिया, तुमने बड़ा वो कर लिया, अब तुम वापस आ जाओ। देखो अगर तुम ये कहते हो ना कि कल को क्या होगा, हमें वहां पे ये अजाब मिलेगा, ये होगा, अल्लाह की पकड़ होगी, हम उठा लेंगे तुम्हारी वहां पे बोझ, हम सजा भुगतने को तैयार हो जाएंगे, हम कहेंगे अल्लाह हमें पकड़ ले इनकी जगह पे। वमा हुम बिहामिलीना मिन खताहुम मिन शेई, और हालांकि नहीं वो उठाने वाले उनकी खताओं में से कोई चीज भी, जरा बराबर भी, कोई वहां पे किसी की खताओं का बेड़ा, किसी के गुनाहों का अपने सार नहीं लेगा। यौम यफिरुल मरउ मिन अखी व उम्मीहि व अबी व साहिबतिहि व बनी लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौम इज़िन शअ्नु युग्नी, उस दिन भागेगा इंसान अपने बाप से, अपनी बीवी से, अपनी औलाद से, अपने सब से, हर एक को अपनी अपनी पड़ी होगी, कौन किसी का उठाएगा, कोई बोझ उठाने वाला दूसरे का बोझ नहीं उठाएगा। ये तो काफिर कहते थे ना उस दिन, उस वक्त ईमान वालों को, आज मुसलमान भी दूसरे मुसलमानों को कहते हैं, बाज दफा वालदैन बच्चों को कहते हैं बेटा तुम ये मेरे कहने पे कर लो, कल को मैं अल्लाह के सामने जवाब दे दूंगी तुम्हारा। किसी ने नहीं जवाब देना, ला ताज़िरु वाज़िरतन विज़रा उख़्रा, कोई बोझ उठाने वाला दूसरे का बोझ नहीं उठाएगा। वो तो काफिर कहा करते थे, आज के मुसलमानों को क्या हो गया, दोस्त दोस्त से कहता है तू मेरे कहने पे चल ये काम कर ले, चलो वहां चलते हैं और वहां जाके ये बुराई का काम कर लेते हैं, आगे मैं देख लूंगा, अल्लाह पूछेगा ना मैं देख लूंगा। मां कहती है मेरा बच्चा सोया रहे, उसकी नींद नहीं पूरी हुई, बेचारा फजर पे कैसे उठेगा, अल्लाह पूछेगा मैं इसका जवाब दे दूंगी, कोई नहीं आखिर सारी रात नहीं सोया, मैं अल्लाह को क्या दूंगी, मैं भुगत लूंगी इसकी सजा। और कौन भुगतेगा वहां पे, कोई किसी की नहीं भुगतेगा, कोई किसी के जुर्म की जिम्मेदारी नहीं लेगा। आज जो लोग कहते हैं ना हमारे कहने पे कर लो, वो कल को नजर भी नहीं आने, याद रखे किसी के कहने पे कोई बुराई ना करे, मां कोई किसी का हाल तक ना पूछेगा, बल्कि इंसान तो कहेगा जहन्नुम को देखकर, आगे आता है ना कि इंसान कहेगा जहन्नुम को देख के कि अल्लाह इन सब को, मेरे कबीले को, मेरे घर वालों को, मेरे बच्चों को, सबको जहन्नुम में डाल दे, एक मुझे सिर्फ छोड़ दे। अलमारिज में कोई गमखार दोस्त गमखार दोस्त को नहीं पूछेगा, ये जो दोस्त दोस्तों को उकसाते हैं कि मेरे कहने पर ये कर लो, कोई किसी ने नहीं पूछना, क्यों हम अपने आप को इनकी खातिर मुश्किल में डालें। इन्ना हम लकाज़िबून, अल्लाह ताला ने फरमाया बेशक ये झूठे हैं, यकीनन झूठे हैं, इन्ना की भी एक ताकीद होगी और ला की भी ताकीद होगी, यकीनन ये लोग बेशक झूठे हैं, कोई तुम्हारा गुनाह अपने सर नहीं लेगा। आज मेरी मान लो, कल को जी मैं तुम्हारा कर दूंगी, कल को मैं तुम्हारे भुगत लूंगी वहां पर सजा, तुम फिक्र ही ना करो, कभी एतबार ना करें इस बात का, तब ये सोच लिया करें कि कब्र में भी मैंने अकेले जाना है और हशर में भी मैं अकेली खड़ी हूंगी, क्या ये जाएंगे आपके साथ कब्र में। आज आपको कहते ही नहीं हमारे कहने पे कर लो, शोहर कहे बच्चे कहे मां मेरे कहने पे आप ये कर लें, तो कभी ना किसी के कहने पे करें बुराई का काम। वला यहमिलुन्ना अथकालहुम वअथकालम मा अथकालहुम, और अलबत्ता वो जरूर उठाएंगे अपने बोझ और जो कुछ बोझ अपने बोझों के सिवा, और कुछ और बोझ भी उठाएंगे अपने बोझों के सिवा। यानी क्या होगा, जिसने जिसको बुराई के ऊपर लगाया होगा कयामत के दिन, वो अपनी तो बुराई उठाएगा ही उठाएगा, वो दूसरों की भी बुराई उठाएगा जिसको उसने बुराई के रास्ते पर लगाया। एक इंसान बुराई का तरीका जब शुरू करता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो हिदायत की तरफ लोगों को दावत देता है क़यामत के दिन, जो लोग हिदायत पर चलेंगे इन सब को जितना सवाब होगा इतना ही उस एक को होगा, लेकिन इनके सवाबों में से कुछ घटेगा नहीं। इसी तरह जिसने बुराई फैलाई, इस पर जो अमल पैरा हुआ, उन सबको जितना गुनाह होगा उतना ही एक होगा, और इन गुनाहों में किसी की भी कोई कमी नहीं होगी, उनको कम करके इसको नहीं दे दिया जाएगा। आप मिसाल के तौर पर एक देखें कि हम एक जगह पे म्यूजिक का एहतमाम करते हैं, अब मसलन उस पार्टी में उस गैदरिंग के अंदर 200 लोग आए, वो जो 200 लोग है ना जो सुन रहे हैं, बेहयाई की शायरी चल रही है, बेहयाई की बातें उसके अंदर हो रही हैं, शिरकिया भी बातें उसके अंदर हो रही हैं। अब वो 200 लोगों का गुनाह उस बंदे के ऊपर है जिसने इसको इसका अरेंजमेंट किया,
वो अपना भी उठाएगा और उन 200 लोगों का भी उठाएगा। फिर सिर्फ यहाँ पे बात नहीं खत्म हो जाती, फिर वो 200 में से ना 100 लोगों ने सोचा वाह कैसी पार्टी थी, हम भी ऐसी करेंगे, और उन्होंने 100 ने आगे जाके उन्होंने भी वैसी पार्टी की या शादी की या जो भी तरीका उन्होंने देखा। अच्छा अब ये जो 100 ने किया, इसने क्या उनको कहा था? ये कहे मैंने कब इनको कहा है ऐसा करो, मैंने अपनी शादी ऐसी की थी, मैंने इनको थोड़ी कहा था कि ऐसा करो। तुमने कहा था या नहीं कहा था, लेकिन तुमने एक जब रिवायत रख दी और जितने लोग तुम्हें देख के ये करेंगे उनका भी गुनाह उसके ऊपर आ गया। अभी उस वक्त बैठे थे जो 200 उनका भी आया, जो 100 ने आगे जाके किया उस चीज का भी आया, उसको देख के और आगे 200 लोगों ने सीख लिया कि ऐसे करना चाहिए, उनका भी इसके ऊपर आया। ये कहां से दलील है इस चीज की? अब हम कहेंगे नहीं तो हम किसी को कहते हैं, मिसाल के तौर पे एक बंदी किसी महफिल में आ गई शलवार इतनी ऊंची पहन के, बाकी खवातीन ने देखा और उन्होंने कहा वाह भाई वाह कितनी स्मार्ट लग रही है, हम भी ऐसी सिलवाएंगे, और स्लीवलेस इसने पहना हुआ बहुत जबरदस्त लग रही, हम भी ऐसी स्लीवलेस पहनेंगे, और साड़ी देखो इसका पेट नजर आ रहा है ना, हम भी ऐसा ही ब्लाउज सिलवाएंगे। अब उसको पता भी नहीं कौन कौन उस पार्टी में इतने लोग आए हुए, किस किसने उसको नोट किया, किसने अपने जहन में रख लिया और किसने जाके वैसा सिलवाया। अब ये बंदी कह सकती है मैंने तो नहीं इसको कहा था, ना करती है, मैंने उसको कोई हुक्म दिया था करने को, ना ये मुझे कॉपी करती। लेकिन अब आपने कहा या नहीं कहा, आपका अमल कह रहा है, आपके अमल के जरिए जितने लोग बुराई को देखते हैं और वैसा करते हैं उन सब का गुनाह भी फिर आपके ऊपर जाएगा। ये कैसे, अब इसकी दलील कहां से है कि जब काबील ने कत्ल किया था हाबील को तो काबील ने लोगों को ये नहीं अब आके बताया कि तुम लोग भी कत्ल वगारत किया करो, लेकिन जब तक क्यामत तक दुनिया में कत्ल वगारत होता रहेगा, कोई किसी का खून करेगा तो उसका गुनाह का एक हिस्सा काबील के हिस्से में भी जाएगा, जब भी ना हक कत्ल होगा। अल्लाहु अकबर। इसलिए देखें कयामत के दिन अल्लाह ताला फरमाएगा मुझे अपनी इज्जत की अपने जलाल की कसम आज एक जालिम को भी नहीं मैं छोड़ूंगा। फिर एक मुनादी निदा करेगा फलां फलां का है, वो आएगा पहाड़ के पहाड़ नेकियों के उसके साथ होंगे, यहां तक कि अहले माशर की निगाहें उसकी तरफ उठने लगेंगी कि वो अल्लाह के सामने आकर खड़ा हो जाएगा। फिर मुनादी निदा करेगा इसका कोई हक है जो इसने किसी पर जुल्म किया हो वो आ जाए और अपना बदला ले। अब उधर उधर से लोग आने लगेंगे उसको घेर लेंगे और अल्लाह ताला फरमाएगा मेरे इन बंदों का हक दो, फरिश्ता फिर उनकी इसकी नेकियां उनको देना शुरू कर दे, और फिर उसके बाद जब नेकियां भी खत्म हो जाएंगी तो उनके गुनाह इसके ऊपर डाले जाएंगे। तो ये है कि अपने गुनाहों का भी बोझ उठाएगा और दूसरों के भी गुनाहों का बोझ उठाएगा। जब जुल्म किया होगा दूसरों के ऊपर, किसी के साथ ज्यादती की होगी, किसी को बुराई के ऊपर लगाया होगा, किसी के हाथ में सिगरेट दे दी, किसी के हाथ में ड्रग्स का किसी को आदी बना दिया, उसने आगे ड्रग्स बेचनी शुरू कर दी, किसी और को आदी बना दिया, सबका गुनाह इसके ऊपर है जिसने एक शुरू की थी किसी को शुरू कराई थी। इसीलिए अगर इंसान किसी बुराई में भी होना, अभी खुदा न खास्ता कोई किसी ऐसी काम में मुब्तला हो वो उसे नहीं छोड़ा जा रहा, उसको पता है ये गुनाह का, तो उसके ऊपर दलेर ना हो कि नहीं जी मैं सही कर रहा हूं, मैं जो कर रहा हूं ठीक कर रहा हूं, नहीं, दूसरे को कभी ये ना कहे तुम भी कर लो या उसको ना इस चीज के ऊपर जस्टिफिकेशन दे, बल्कि ये कहे कि मैं तो इसके अंदर फंसी हुई हूं, मैं तो इसमें से निकलने की कोशिश कर रही हूं, तुम कभी ये ना करना, ये कहना चाहिए। मुझे तो नशे की किसी ने आदत लगा ली, तुम ना नशा शुरू कर। बाज लोग दूसरों को गंदी फिल्मों पे लगा देते हैं, बाज लोग दूसरों को किसी ऐसे गंदी जगह का क्लब का किसी ऐसी जगह का रास्ता दिखा देते हैं कि वो फिर वहीं जाना शुरू हो जाता है। बाज लोग किसी का फोन नंबर दे देते हैं, चलो तू इससे बातें शुरू कर दे, ये है मैं इसका कॉन्टेक्ट तुम्हें दे देता हूं। जब कभी भी डायरेक्ट करेंगे किसी बुराई की तरफ, याद रखे उसमें हिस्सा हमने अपना डाल लिया है। दूसरे को गुनाह की दुनिया में लाने का बोझ एक इंसान अपने सर ले लेता और जितनों को लेकर आता है सब का गुनाह ले लेता। वला युसअलुन्ना यौमल क़ियामति अम्मा कानू यफ्तरून, और ज़लबत्ता जरूर पूछे जाएंगे क़ियामत के दिन जो उन्होंने घड़ा था। ये क्या घड़ा था? शिर्क के ऊपर भी और ये भी बात जो खुद ही घड़ ली कि हम तुम्हारा बोझ उठा लेंगे, ये कहां से झूठ खुद तुमने बना लिया, खुद ही घड़ लिया। अब इसके बाद नूह अलैहिस्सलाम की जिक्र आता है,
ब्रीफली उनका जिक्र आएगा कि उन्होंने अपनी कौम को जो तबलीग की और इतना अरसा तबलीग की और फिर भी कौम ने नहीं माना, तो मुसलमानों को भी इसमें तसल्ली है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भी इसमें तसल्ली है। मुसलमानों के लिए क्या तसल्ली है कि अल्लाह ताला फिर निजात देता है ईमान वालों को और जालिमों की पकड़ एक दिन हो जाती है, तो तुम फिक्र ना करो, तुम पे भी जो जुल्म करने वाले हैं उनकी पकड़ होगी। वाला कदर सलना नूह इला कौमी है और अलबत्ता तहकीक हमने भेजा नूह अलैहिस्सलाम को अब उनकी कौम की तरफ। फलाबिज़ फीहिम अल्फ सनतिन इल्ला खम्सीना आमा, फिर हम वो उनमें रहे 1000 साल कम 50 मगर 50 साल, यानी 950 साल तो उनकी सिर्फ तबलीग है। आज के वक्त में जो लोग भी डिसहार्ट हो जाते हैं ना लोगों को क्या क्या के ये मानते नहीं ये मानते नहीं, वो नूह अलैहिस्सलाम को याद कर लिया करें, उनसे ज्यादा बढ़ के तो किसी ने भी तबलीग नहीं की होगी। 950 साल, 950 क्या 100 साल भी नहीं हमने कभी की, इसलिए कि हमारी तो जिंदगी ही इतनी नहीं। फिर चंद दिन किसी को बताने के बाद फिर मायूस क्यों होते। फाखदहुम तूफान, तो पकड़ लिया उनको तूफान ने, वहुम जालिमून और वो जालिम थे, क्या जुल्म था उनका, शिर्क करते थे, उनको तूफान ने पकड़ लिया। और हम ये बहुत दफा स्टोरी पहले सुन चुके हैं। फअंजैना हो, तो हमने निजात दी उसको, किसको, नूह अलैहिस्सलाम, क्यों, उन्होंने इतनी कोशिश की इस कौम को आग से बचाने के लिए, इतनी कोशिश की, इसके बावजूद कौम नहीं मानी, तो इनका कसूर नहीं है अगर कौम ने नहीं माना। इनको अल्लाह ने निजात दी, वासहाब सफीना और कश्ती वालों को, कश्ती वाले कौन थे, जो कश्ती में बैठ गए थे। अच्छा ये बताएं क्या कश्ती की वजह से वो बच गए, अब कोई कह सकता ना हाय शुक्र है मैं कश्ती में बैठ गया तो तुम्हें बच गया, कश्ती ने बचाया या ईमान ने बचाया। अल्लाह ने दिखा दिया कि असल चीज ईमान है, ईमान है जो बचा लेता है, कोई कश्ती नहीं बचा सकती, कश्ती तो एक सबब बनी है। तो कश्ती वालों को जो तकरीबन कहा जाता है 80 के करीब लोग थे, अल्लाहु अकबर, वजअलनाहा आयतन लिलआलमीन, और अल्लाह ताला ने फरमाया कि हमने बना दिया इसको एक निशानी जहान वालों के लिए, एक निशानी बना दिया कि देखो अल्लाह की मदद फिर किसके साथ होती है। देखो कैसे अल्लाह ताला ने वहां जिस जगह पे वो सोच भी नहीं सकते थे कि यहाँ पे कश्ती चलेगी, वो तो नूह अलैहि सलाम का मजाक करते थे, तुम कश्ती बना रहे हो कहाँ चलानी है कश्ती, ये अल्लाह ताला ने फिर कैसे एक चीज को मदद का जरिया बनाया ईमान वालों के लिए, वो कश्ती में सवार हुए और पूरी, कहा जाता है जहां जहां उस वक्त आबादी थी, यानी पूरी जितनी भी नूह अलैहि सलाम की कौम थी सारी की सारी डूब गई। नूह अलैहि सलाम ने दुआ की थी कि या अल्लाह एक काफिर का घर भी ना बाकी छोड़ना, सूरह नूह है इसके अंदर, अल्लाह ताला एक काफिर को भी ना छोड़ना, सब गर्क हो गए थे, कोई इस कश्ती में जितने लोग बैठे हुए थे उसके सिवा कोई जिंदा नहीं बचा था। वह इब्राहिम इस काला लिखौमे अबुल्ला वत्तहू, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम को याद करें, यानी जब कहा था अपनी कौम से अल्लाह की इबादत करो और डरो उससे, ज़ालिकुम खैरुन लकुम इन कुंतुम तालमून, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने भी तबलीग की थी और किन हालात में तबलीग की थी, एक अल्लाह की इबादत की तरफ बुलाया था, एक ही पैगाम था सारे पैगम्बरों का, और ये बेहतर है तुम्हारे लिए अगर तुम्हें इल्म हो। इल्म ही तो नहीं होता इंसान को, समझ ही तो नहीं होती इंसान को, तो फिर वो किसी और को अल्लाह का शरीक ठहराने लगता है, ये बेहतर है। इन्नमा ताबुदूना मिन दुनिल्लाह, बेशक तुम इबादत करते हो अल्लाह के सिवा औसानन, बुतों की, क्योंकि वो बुतों की पूजा करते थी ना उनकी कौम इब्राहिम अलैहिस्सलाम की। और तखलुकूना इफ्का, और तुम घड़ रहे हो झूठ, तुम बुतों की पूजा करते हो और तुमने झूठ घड़ा हुआ, ये झूठ, आप ये देखें ये जो कारोबार है ना, ये कारोबार ही है, ये जो बुत परस्ती का कारोबार है, आप इन इसके साथ जो स्टोरीज उन्होंने बनाई हुई है, ऐसे हो गया वो हो गया, इसने इसकी मदद कर दी, इसने ये कर दी, आप उन स्टोरीज को जरा एक तरफ कर दें, वो तो घड़ी ही है खुद ही, तो अब ये बुत में रह क्या गया मुझे बताएं, पत्थर की एक मूर्ति है बड़ी, वो तो कहानियां ही है जिसकी वजह से वो उनके आगे झुक रहे हैं, अब वो कहानियां अलग कर दी जाए, जो इफ्क है झूठ का पलंदा है वो दूर कर दी जाए तो कुछ भी नहीं। इसी तरह अगर आप ये देखें जो कब्र परस्ती करते हैं, कब्रों को
यानी सजदे करने लगते हैं, कब्रों पे जाके उनसे मांगने लगते हैं। उन्होंने भी तो उसके साथ कुछ कहानियां ही घड़ी होती हैं, किसने आके बताई, किसने आके। आज तो अल्लाह ताला माफ करे, लोग हदीसों को डाउट करना ही शुरू हो गए कि हदीस जी हिफाजत नहीं की गई, हदीस की ऐसे नहीं की गई, हदीस तो लिखी नहीं गई और हम हदीस को नहीं मानते। आज तो लोगों ने हदीसों के ऊपर क्वेश्चन करने शुरू हो गए और ये कहानियां खुद ही बनाई हुई है। भाई उसकी ऑथेंटिसिटी क्या है? वो बुखारी है, वो मुस्लिम है, वो क्या कैसी क्या ऑथेंटिसिटी है उनकी? वो कहानियां मुंह दर मुंह आगे चलती जा रही हैं। वो जी वो उन बुजुर्ग ने ख्वाब में कहा था मेरे यहाँ पे आके मुझसे मांगा करो, या ये किया करो, या यहाँ पे देख चढ़ाया करो तो ये तुम्हारा काम हो जाएगा, वो हो जाए। ये कहानियां ही तो है और क्या है? कहां से ये अकीदा लेकर आओ? वो बुजुर्गो कह के गए थे क्या? अच्छा, अगर आपने बना लिया कि वो कह के गए थे, उसकी दलील क्या? वो उसकी हिफाजत का जिम्मा तो वो कोई कुरान तो है नहीं जिसकी हिफाजत का जिम्मा अल्लाह ने लिया। आपको क्या पता जिन्होंने जो ऊपर बैठे हुए हैं, जिन्होंने अपने कारोबार बनाए हुए हैं, उन्होंने कहानियां इसीलिए घड़ ली हैं ताकि लोग आए। अगर वो कहानियां ना घड़े तो कौन आएगा उस कब्र के ऊपर? कौन चादरें चढ़ाएगा? जो उन्होंने अमल किए वो उनके साथ है। अल्लाह ताला सूरह बकरा में फरमाता है जो पिछले गुजर गए, जो उन्होंने अमल किया वो उनके साथ, तुमसे तुम्हारे अमल का पूछा जाएगा। लजीना ताबुदुना मिंदुने लाई लाई अमली कुना लकुम रिस्का, बेशक जिनकी भी जिन हस्तियों की भी तुम इबादत करते हो अल्लाह के सिवा, वो नहीं मालिक रिस्क के। क्योंकि ये बुतों के पास जाते थे रिस्क के लिए, अपने मसले मसाइल के लिए। ये तुम्हारे मसले नहीं हल कर सकते, ये तुम्हारी रोजी के मालिक ही नहीं, कोई नफा नुकसान नहीं पहुंचा सकते। फबता वो इंदल्लाह रिस्क, अल्लाह के पास तलाश करो रिस्क, सारे रिस्क का मालिक वो ही है, उसकी इबादत करो। अल्लाह ताला फरमाता है हदीस कुदसी है, मेरे बंदो तुम सब गुमराह थे, गुमराह हो सिवाय उसके जिसको मैं हिदायत दे दूं, तो मुझसे हिदायत मांगो मैं तुम्हें हिदायत दूंगा। तुम सब फकीर हो सिवाय उसके जिसको मैं गनी कर दूं, तुम मुझसे मांगो मैं तुम्हें रिस्क दूंगा। यानी रिस्क अल्लाह के हाथ में, सब तुम फकीर हो, तुम सब अल्लाह के मोहताज हो रिस्क के लिए, तुम सब गुनाहगार हो सिवाय उसके जिसको मैं बचा लूं। तो तुम में जो ये जाने कि मैं माफ करने की कुदरत रखता हूं और उसने मुझसे माफी चाहिए तो मैं उसको माफ कर देता हूं और मुझे कुछ भी परवाह नहीं। ठीक है, इंसान ये सोचे कि हम सब फकीर हैं, रिज्क अल्लाह के हाथ में। किसी को जॉब नहीं मिलती, वो जाके वहां पे आस्तानों के ऊपर धागे बांधने लगता है, हमें बड़े जॉब के मसले, हमें बड़ी मुश्किल है, कोई कोई किसी और तरह की उसको हाजत है, औलाद चाहिए होती तो वो जाके सजदे करने लगता। अल्लाह ताला ने फरमाया है मेरे बंदो तुम सब भूखे हो सिवाय जिसको मैं खिलाऊं, तो तुम मुझसे खाना तलब करो मैं तुम्हें खिलाऊंगा। तुम सब बेलिबास हो सिवाय जिसको मैं लिबास पहनाऊं, तुम मुझसे लिबास मांगो मैं तुम्हें ता करूंगा। तो अल्लाह से मांगो, उसके पास रिस्क को तलाश करो, मसलों के हल के लिए उसके पास जाओ। पर रिस्क सिर्फ खाना पीना नहीं है, इताअत भी अल्लाह का रिस्क है, फरमा बरदारी भी अल्लाह का रिस्क है। यकीन करें इताअत की तौफीक भी अल्लाह ही दे तो इंसान इताअत कर सकता है, वरना नहीं कर सकता। तो अल्लाह से ये भी मांगना चाहिए, अल्लाह मुझे तौफीक दे दे, क्योंकि हर एक को नहीं मिलती। कुल इन्ना रब्बी यबसुतु रिज़्क़ा मन यशा, अल्लाह ताला ही है कि कह दीजिए कि मेरा रब कुशादा करता है रिस्क जिसका वो चाहता है। और उस अगर हम खाने पीने और इसको रिस्क समझे, माल को रिस्क सिर्फ समझे, तो उसमें भी आप देखें ये अल्लाह ताला की ना कोई रजा की निशानी है कि किसी को उसने ज्यादा दे दिया, और ना उसकी नाराजगी की निशानी कि किसी को उसने कम दिया। वाबुदू वो इबादत करो उसकी, और वशकुरू लहू और शुक्र अदा करो उसका, जो नेमते उसने तुम्हें दी नहीं है ऑलरेडी उन पर शुक्र अदा करो, एक उसी की इबादत करो। एक जो शुक्र गुजारी है ना, ये हमारे अंदर से निकल चुकी है। हर मामले में हम ना शुक्र हैं, हाय हमारे साथ ये हो गया, हम ऐसे हो गया, हम तो बड़ी उसके, हर वक्त शिकायती रवैया, हर वक्त हमारे पास गिलों शिकवों की एक बड़ी लिस्ट होती है, मसले मसाइल की लिस्ट होती है। ये ना शुक्रिया कि इंसान को वो तो बहुत नजर आ रहा है जो उसके पास नहीं है, और वो कुछ नजर नहीं आता जो उस वो एंजॉय करता है रोज, जो वो खाता है, जो वो पीता है, जो रहता है, जो आफियत में अल्लाह ने उसको रखा है, वो नजर नहीं आता। अगर हम जो हमारे पास है उसके ऊपर शुक्र अदा करने लगे ना, तो हम शुक्र अदा करते करते पूरी हमारी जिंदगी गुजर जाएगी, ना शुक्री का तो टाइम ही नहीं मिलना, पूरी जिंदगी गुजर जाएगी हमसे शुक्र नहीं अदा होगा।
ये ना आप देखते हैं ना कि ना शुक्री के रवैये, हाल ये है कि किसी ने बड़ी अच्छी बात की है, अल्लाह का दिया हुआ रिस्क खाते खाते दांत टूट गए, यानी बुढ़ापा आ गया, लेकिन जुबान शिकायतें करने से थकी नहीं। इलैही तुरजाऊन, उसी की तरफ तुम लौटाए जाओगे, इसके बाद वापस तो उधर जाना है। आप देखते हैं पूरा कुरान हमें कितना वापसी का याद दिलाता है, यही बात हमें हर वक्त भूली रहती है, दिन में याद ही नहीं आता। अल्लाह ताला माफ फरमाए हम सबको, ये याद ही नहीं कि हमने वापस जाना। हम इतने काम धंधों में यहीं के मसरूफ रहते हैं, आपको नहीं कह रही, मैं तो अपने आप को कह रही हूँ कि इतने मसरूफ हो जाते हैं कि ये बात कभी जहन में आ गई तो आ गई कि जाना है मुझे, अक्सर भूल ही रहती है। और कुरान ही है जो हमें याद दिलाता है, तुम लौटाए जाओगे, तुम्हें वापस जाना है, तुम्हें अल्लाह से मुलाकात करनी है। कितना जरूरी है इस बात को याद रखना। ये शैतान यहीं से तो उचकता है, वो कहता रहता है यहीं रहना है, यहीं रहना है, यही है सब कुछ। अल्लाह याद दिलाता नहीं, वापस जाना है, वापस जाना है, लौटना है तुम्हें। ये जो चीज है ना, एक अगर ये याद रह जाए तो हमारे आधे मसले हल हो जाए, हमारे आधे दुख खत्म हो जाए, हमारी नाशुक्रियां खत्म हो जाए, हमारे जो मसले हैं वो खत्म हो जाएंगे। अगर ये याद रहे इलैही तुरजाऊं, وَإِن تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ। और फिर अब इनसे कहा गया कि अगर तुम झुटलाते हो, काफरों से कहा गया, तो तहकीक झुटलाया कुछ ग्रोह ने जो तुमसे पहले भी थे, ये कोई नई बात नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तसल्ली है कि अगर ये काफिर आपको झुटलाते हैं ना, अगर ये अहले मक्का बात नहीं सुनते तो ये पहली बात नहीं है, पहली दफा ऐसा नहीं हो रहा, पहले भी कई ग्रोह ने झुटलाया था। वमा अलर रसूल इल्ल बलागुल मुबीन, और नहीं है रसूल के ऊपर मगर पहुंचा देना। रसूल का काम आपकी जिम्मे ऐ नबी सिर्फ ये है कि साफ साफ तौर पे पहुंचा दे, बाकी अगर ये मानते हैं या नहीं मानते ये आपका काम नहीं, हिदायत देना आपका काम नहीं। पैगंबर का काम होता है कन्वे कर देना, और पैगंबर के बाद भी जितने भी लोग आएंगे आदमी, चाहे कोई उलमा है चाहे कोई दाई दीन है, उनका काम भी सिर्फ पैगाम को पहुंचा देना है, सिर्फ तबलीग कर देना, इबलाग है ना, पहुंचा देना। कोई राह पाए या ना पाए ये उसका जिम्मा नहीं है। अभी पिछले दिनों किसी ने मेरे से बात की तो उन्होंने कहा कि देखें ये क्या, यानी उनको कुरान की तरफ दावत दी जा रही थी, तो उन्होंने कहा भी क्या फायदा है इसका, मैंने तो इतने इतने अरसे से लोग देखे, 20-20 साल से लोग कुरान सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ये इससे पढ़ रहे हैं। उन्होंने एक दो लोगों की मिसालें भी दी कि जी आपके एरिया में ये फलां भी ये काम कर रहा है। उन औरतों से मैं 20 साल से मिल रही हूँ लेकिन उनमें कोई फर्क नहीं, और आप लोग क्यों नहीं बताते जो कि भाई साफ सुथरा रहना चाहिए, आप क्यों नहीं बताते कि हकूकुल इबाद देने चाहिए, आप लोग क्यों नहीं बताते मामलात सही करने चाहिए, उनके तो कुछ फर्क नहीं आया। तो देखिए ये बात हम सबको समझ लेनी चाहिए एक, कि चाहे वो जब पैगंबर थे उस जमाने में या बाद में आने वाले जो लोग भी दीन की तरफ बुलाते हैं, वो लोगों को सिर्फ बता सकते हैं कि भाई आप ये कर लो, ये अल्लाह का हुक्म है, ये है, बाकी हाथ पकड़ के या अब ये दूसरे लोग समझते हैं जो कुरान की तरफ नहीं आए होते, वो ये सोचते हैं कि आप इनको बताते क्यों नहीं, आप इनको कहते क्यों नहीं है, आप उनको ये जो जिंदगी के यानी हकूक हैं देने के वो आप इनको क्यों नहीं सिखाते, हुकूकुल इबाद भी तो इतने जरूरी हैं, आप क्यों नहीं उनको सिखाते। वो सोचते हैं पता नहीं इनको बताते ही नहीं, इस वजह से उनका अमल वहीं का वहीं है। ऐसा नहीं है, जो दाई दीन है वो तो सिखा देता है, बता देता है, पहुंचा देता है। अब अगर कोई काम नहीं करता आगे, अमल नहीं करता, तो उसमें उस बेचारे का क्या कसूर है, उसको पकड़ पकड़ के कहते जाना आप क्यों नहीं बताते, आप ये क्यों नहीं लोगों को सिखाते, क्यों नहीं आपने ये सिखाया। अब वो स्टूडेंट आगे नहीं कुछ करते तो वो उसका क्या कसूर है फिर, वो अब इसके अंदर वो जा के किसी के घर में उसके सर पे पिस्तौल रख के तो नहीं उसे कराएगा ना। ये ऐसे ही है कि मसलन कोई बीमार अगर किसी डॉक्टर के पास आता है
अब डॉक्टर उसको इलाज भी बता देता है, उसको दवा भी लिख के दे देता है, उसको परहेज भी बता देता है, वो ना परहेज करे ना दवाई खाए तो उसमें वो डॉक्टर को तो नहीं गिरेबान पकड़ेंगे ना, भाई आपने क्यों नहीं इसको सही किया, आपने इसका सही इलाज क्यों नहीं किया। उसका काम सिर्फ बता देना है, आगे करना या नहीं करना लोगों का काम है। तो बहुत से लोग जो कुरान की तरफ नहीं आए होते बहुत पुट ऑफ होते हैं इस बात से कि हमने क्या आगे करना है, हमने तो देख लिया, वो आप लोग उनको सिखाते ही नहीं, कुछ उनको बताते ही नहीं है, वो तो अभी तक वैसे ही चल रहे हैं, उनके तो किरदार में कोई फर्क नहीं आया, उनको क्या फायदा हुआ जो, यानी उनका बेसिकली मतलब ये कहने का होता है कि उनको कौन सा कोई फायदा मिल गया जो हमें मिल जाएगा इस तरफ आके। अब हमें तो बता रहे हैं, बुला रहे हैं इस तरफ, हमने क्या करना आके। ऐसी बात नहीं है, जो रसूल होते हैं या जो भी रसूलों के जमाने में अगर कोई लोग मुनाफिक हो सकते थे और कोई लोग काफिर रह सकते थे, तो आज के हमारे जैसे जो लोग हैं या जो आज के आलमे दीन है कोई बुलाता है तो मुझे बताएं, हम तो वैसे ही खताकार हैं, वो तो रसूल थे, उनके वक्त में भी उनकी जुबान से निकली हुई बात तो कितनी बड़ी होगी, उस वक्त भी लोग नहीं माने या उस वक्त भी लोग मुनाफ़त करते थे, तो आज के वक्त में कैसी गारंटियां दे सकते हैं जी, हम बता देंगे तो सारे लोग बस उनकी काया पलट जाएगी और सियाह से सफेद हो जाएंगे, ऐसे नहीं होता। बताने वाले का काम पहुंचा देना है बस, आगे सुनने वाले अमल करें या नहीं करें इसके जवाब दे वो बताने वाले को नहीं है, अल्लाह के आगे जवाब दे। अब अलम यरो कैफा युबदिउल्लाहुल खल्का सुम्मा युईदुहु, अब ये आखरत को साबित किया गया ये बता के कि क्या तुम गौर नहीं करते, तुमने देखा नहीं, देखा नहीं का मतलब क्या, तुम गौर नहीं करते कि कैसे इब्तदा करता है अल्लाह खल्क की, फिर इयादा करेगा इसका, फिर दोबारा पैदा कर सकता है। पहली बार की पैदाइश से अल्लाह ताला ने आखरत का सबूत दिया कि पहली दफा जो पैदा कर सकता है, करा है ना उसने पहली दफा पैदा, तुम देखते हो ना बच्चे को कैसे पैदा होता है, क्या वो दोबारा नहीं पैदा कर सकता। इन्ना दालिका अल्लाह यसीर, अल्लाह के ऊपर बड़ा ही आसान है, तो वो मुश्किल नहीं है। जब अल्लाह ताला जो उस दिन जो लोगों को खड़ा करेगा, एक कुंड कहने से लोग सारे खड़े हो जाएंगे, उसके लिए कोई भी मुश्किल नहीं। कुल सीरु फिल अर्द, तुम्हें अगर ये बात को प्रैक्टिकली देखना है चलो फिरो जमीन में, जरा चल फिर के देखो, फंजुरु कैफ बदा अल खल्का, फिर देखो किस तरह अल्लाह ने इब्तदा की है तखलीक की, गौर करो इन चीजों को देख के, सोचो जब आप बाहर जाए तो सोचें कि क्या ये फूल पौधे जानदार कीड़े हशरात पहाड़ दरख्त ये सब कुछ क्या किसी खालिक के बगैर ही वजूद में आ गए, खुद ब खुद बन गए थे या किसी ने इनको पैदा किया। इंसान का अंदर फिर बोलता है ना, नहीं किसी ने पैदा किया, तो जिसने एक दफा पैदा कर दिया क्या दूसरी दफा पैदा करने से थक जाएगा, क्या दूसरी दफा नहीं पैदा कर सकता। अच्छा हम इंसान है, हम तो खैर बहुत बहुत छोटी सी कमजोर सी हकीर सी मखलूक है, हम भी एक चीज अगर एक दफा बना लेते हैं तो दूसरी दफा हमारे लिए आसान हो जाती है बनानी। एक खाना है, कोई रेसिपी है या कोई और कोई काम है, एक दफा कर लेते हैं तो कहते हैं जी मैं एक दफा मैं इस रास्ते से आई हुई हूं तो अब मुझे पहचान हो गई है इस रास्ते की, मुझे अभी आता है। आप सोचिए अल्लाह ताला तो हर कमजोरी से पाक है, हम तो कमजोरियों वाले ना, वो तो हर कमजोरी से पाक है, उसने जब एक दफा पैदा कर दिया तो उसके लिए क्या मुश्किल है दूसरी दफा पैदा करना, इतनी सी बात नहीं समझ आती। तुम देखो जमीन में घूम फिर के उसने क्या क्या पैदा किया ना, वो जो इसको पैदा करके नहीं थका तो क्या दोबारा पैदा करने से थक जाएगा, तुम सबक नहीं लेते। अल्लाह की कुदरत समझाई गई है, सुम अल्लाह युनशिउ नशअतल आखिरा, फिर अल्लाह उठाएगा उठाना दूसरी दफा। इंसान को यकीन दिलाया जा रहा है कि ये जो बार बार शैतान वसवसे डालता ना, पता नहीं आनी है कि नहीं आनी कियामत, पता नहीं कैसे खड़े होंगे, को कैसे होगा, लो जी लोगों की पता नहीं कोई शेर के मुंह में चला गया है, कोई समंदर में गर्क हो गया, कोई कहीं और कहीं जमीन में धस गया, किसी को किसी आग ने जला दिया, कहां लोग उठेंगे, उनके तो जर्रे भी नहीं मिले, वो तो ऐशेज बन गए, उनकी ऐशेज भी बहा दी गई पानियों के अंदर, किधर खड़े होंगे ये। अल्लाह ताला फरमाता है पहली दफा उसने पैदा कितना दोबारा कर दे, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर,
अल्लाह अकबर, अल्लाह इस कलमे का यकीन हमारे दिल में डाल दे कि इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। ये पढ़ना आसान है, इसका यकीन दिल में लाना ही तो मुश्किल है कि अल्लाह हर चीज पर कादिर है। कह दिया मैंने वो तो क्या, एक सेकंड भी नहीं लगा बोलने में, लेकिन इसके यकीन दिलाने में ना जिंदगियां गुजर जाती हैं। ये यकीन दिल में पैदा करना कि हाँ अल्लाह हर चीज पर कादिर है, ये बड़ा ही यानी एक मेहनत का काम है, बहुत मेहनत का काम। बार बार इंसान हर चीज पे कहे मैं नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकता, लेकिन इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, मैं अपनी तरह ना समझूं अल्लाह को, ये नामुमकिन है वो नामुमकिन है, मगर इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर मेरे लिए नामुमकिन है, अल्लाह के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं। हर चीज करने पे कादिर है, वो कुदरत रखता है, उसके पास ऑल पावर है करने की। ये कलमा ही तौहीद है, यही कलमा है जो हमने सीख लिया ना कि इसके अंदर कि अल्लाह ताला, जब हम कहते हैं ना अल्लाह सुबहान है, सुबहान अल्लाह कहते हैं ना, अल्लाह पाक है हर कमी से, हर कमी से, हर ऐब से, हर कमजोरी से, वो ये कलमा है अल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, हर चीज पे कुदरत रखता है, कमी नहीं है उसके अंदर कोई, कमजोरी नहीं है कोई, हमने डिक्लेयर कर दिया ये। इसीलिए ये कलमात इतने बड़े हैं ना, इतने वजनी, क्योंकि ये बोलने तो खैर बोल दो आप तोते को भी रटवा दो, लेकिन असल बात यही है कि इनका ईमान दिल पे दिल में बैठ जाए। यो आजीबो मैया शाह हुआ यरहमो मैया शाह, ये है वो अल्लाह, ये है उसकी कुदरत, वो अपनी मर्जी को जारी रखने की कुव्वत रखता है। जो उसकी मर्जी है ना, उसके अंदर उसको किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है कि मैं इसको माफ करूं कि नहीं, कि मैं इसको अजाब दे रहा हूं कि नहीं। कोई आप उठ के पूछे आपने क्यों इसको अजाब दी, आपने किसको सजा दी। आज तो बड़े बड़े लोग उठ के बातें करते ना, मैं तो उस दिन ये कह दूंगी, मैं तो उस दिन ये कर दूंगी, ये जुबानें बंद हो जाएंगी। वो जिसको चाहे अजाब दे, तब भी उसका इंसाफ है, जुल्म नहीं है, उसका इंसाफ है। अगर वो किसी को जहन्नुम में भी डाल देता ना, तब भी उसका इंसाफ है, इसलिए कि वो इंसाफ करने वाला है, उसने जो असूल बनाए हैं जजा और सजा के, वो उनके मुताबिक करता है, कोई सवाल नहीं उससे कर सकता, कोई पूछ नहीं सकता। अल्लाहु अकबर। और रहम करे जिस पे वो चाहे, कोई ये भी नहीं कह सकता उस पे क्यों किया और उस पे क्यों नहीं किया और उस पे क्यों ऐसा किया, नहीं, जिस पे चाहे वो रहम करे, क्योंकि वो जुल्म कभी करता ही नहीं किसी के ऊपर भी, वो अजाब ऐसे ही नहीं भेजा, नहीं डाल देगा किसी को अजाब में कि इसका नाउज बिल्ला अल्लाह का जी चाह रहा है तो इसको चलो जहन्नुम में फेंक दो, इसका मेरा जी चाह रहा नहीं है तो इसको, ऐसे नहीं है, इसके यहां अदल है और इंसाफ है। तो जिस जिस पे चाहे अपने से मुंह मोड़ने वाले को अजाब में डाल सकता है, जिस पे चाहे अपनी तरफ आने की वजह से रहम कर सकता है। तो इंसान को फिर चाहिए कि उन बुराइयों से बचे जिनकी वजह से अजाब आता है, और उन आमाल को अपनी जिंदगी में शामिल करे जिनकी वजह से अल्लाह का रहम आता है। और अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया है कि ये काम लाअल्लहुम यरहमून, और इस तरह के कलिमात आते हैं कुरान में। वइलैहि तुक्लबून, और उसी की तरफ तुम फेरे जाओगे। देखें आप कितनी दफा वापसी है, कितनी दफा वापसी की बात आ गई एक सबक में। फिर जिसकी तरफ जाना है उसको याद रखना, पलटना है, और ये याद रखना रब की रहम, उसकी रहमत किन के ऊपर होती है, क्योंकि जाना जो उसकी तरफ है उनमें खुद को शामिल करके आना। वमा अंतुम, और नहीं हो तुम भी मुआजिज़ीना फिल अर्द, आजिज कर दो उसको जमीन में, उसको कोई आजिज नहीं कर सकता, यानी उसको थका नहीं सकता। इंसान भाग निकले कहीं, उससे उससे दौड़ के कहीं और चला जाए, कहीं जमीन और आसमान से निकल जाए, उसको आजिज नहीं कर सकते,
वो आजिज कर सकता है इंसान को, लेकिन इंसान उसको आजिज नहीं कर सकता। और वला फिस्समाए, ना आसमान में तुम आजिज करने वाले नहीं, ना भाग के आसमान किसी आसमान में छुप सकते हो, ना जमीन में कहीं पनाह ले सकते हो। तो फिर इसका मतलब है कि वो उसके पास तो हमें जाना ही पड़ेगा। अरे हम उसे भाग के कहीं नहीं जा सकते, उसकी पकड़ से नहीं बच सकते। फिर क्या करना चाहिए? उसके पास लौटने की तैयारी। वमा लकुम मिन दुनिल्लाहि मिन वलीय वला नसीर। और याद रखना, नहीं तुम्हारे लिए उसके सिवा कोई दोस्त और ना कोई मददगार। तो फिर किसको दोस्त बना लिया जाए? उसी को दोस्त बना लो, क्योंकि उसके खिलाफ तो कोई दोस्ती काम नहीं आनी। कुफार को भी समझाया जाता है और बाकी सबको भी, अगर अल्लाह का कहना नहीं मानोगे ना तो आगे दो ही सूरतें हैं, या तो कोई अपने लिए खुद अपनी मदद कर ले, खुद अल्लाह से मुकाबला कर ले, तो वो भी नहीं मुकाबला कर सकते, तुम उसको हरा ही नहीं सकते, आजिज नहीं कर सकते, उसको हरा नहीं सकते, उसे मुकाबला कर ही नहीं सकते। या फिर तुम्हारा कोई दोस्त हो, कोई मददगार हो, जिसको तुम उसके आगे खड़े कर दो मुकाबला करने के लिए, वो भी नहीं कर सकते। अल्लाह हू अकबर। अल्लाह ताला इन आयात का यकीन हमारे दिल में बिठा दे। अल्लाह ताला इनसे सीखने, समझना और इनको अमल में लाना हमारे लिए आसान कर दे।